प्रथम थर पर सचिन को झिया सारा तेंदुलकर कांदी कांदी सोशल मीडिया रे मुह खोलिले कहिले मो नारे मिचो अकाउंट खोली मते बदनाम करा जाउछि। शुभमन गिल मोर जने फलो बंधु आउ न होले आमा भितरे किछि नहीं। हां क्या सचिन को झिया सारा तेंदुलकर कहिछंती मो नारे मिचो कहुचो भगवान सोइबेनी एहा इंटरनेट रो विश्वसनीयता को शेष करि देबो। फोटो वायरल पई रागी गले कि सारा तबे दर्शक बंधु डीप फेक फोटो वायरल पई रागी छंती सारा तेंदुलकर। भारतर पूर्वतन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को झियो सारा तेंदुलकर कोनसी सेलिब्रिटी नहंती किंतु सेलिब्रिटी को ठरु तांकर चर्चा बहुत जोर अधिक सेलिब्रिटी को ठरु तांकर प्रशंसक मध्य अधिक कारण सारा कुआडे भारतर दमदार बैट्समैन गिल को भल पाती एक आमे नुहे सब गणमाध्यम चर्चा होबे एसब भितरे किंतु सारा तेंदुलकर डीप फेक वीडियो वायरल होगा नहीं प्रथम करी सोशल मीडिया रे प्रतिक्रिया देछंती। एक इंस्टाग्राम पोस्ट रे सारा तंकर नाँ रे थिबा नकली अकाउंट एवं टेक्नोलॉजी रो व्यवहार तंकर डीप फेक फोटो बनाई वायरल करा जाउथबा कथा कहिछंती सचिन को छ सारा तेंदुलकर। इंस्टाग्राम पोस्ट रे सारा लिखिथिले सोशल मीडिया समस्त को खुशी दुख एवं दैनंदिन कार्य शेयर करिबेरे एक चमत्कार माध्यम किंतु प्रजुक्ति विद्यार दुरुपयोग करा जाउछि जहाँ चिंताजनक कारण यह इंटरनेट विश्वसनीयता को दिने शेष करदेव सुनिश्चित। मुझे किसी डीप फेक फोटो देखिली जहाँकि संपूर्ण भाव में नकली बोली सारा तेंदुलकर कहते तेज दर्शक बंधु सारा तेंदुलकर अनेक गुड़िया फोटो आपण देखिथिले जहाँ कथा कथित प्रेमिक कहुवा भारत बैट्समैन शुभमन गिल सहित जहाँ को नकली बोली प्रथम थर पर सोशल मीडिया सारा तेंदुलकर कहते तेरे यही पोस्ट करिवार किसी समय पर सारा ताको हटाई देखते सत किंतु सारा प्रथम थर पर मुह खोली सहित जो ट्विटर आकाउंट रू सारा डीप फेक फोटो अपलोड होती सारा ट्विटर पोस्ट टैग मध्य करते एथिरे क्रिकेटर शुभमन गिल मध्य पोस्ट करा जाइछि आ एही अकाउंट रे ब्लू टिक भी रहिछि आ सबठू बड़ कथा होउछि ब्लू टिक पाइथबा अकाउंट कोडे नकली बोली एबे चर्चा होउछि तनो यूजर्स माने एही अकाउंट को तांको असली अकाउंट बोली भाबुछंती जहां अनेक भ्रम सृष्टि करछि जे जोथि पै रागी जाइछंती भारतर पूर्वतन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को झियो सारा तेंदुलकर आ प्रथम थर पै ए सब कथा को नै मुह खोली कहिछंती सोशल मीडिया रे आ तापर किंतु एही पोस्ट को से डिलीट मध्य कर दे छंती। ब्यूरो रिपोर्ट बिरसा न्यूज।